सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। प्राइमलूट एन टैबलेट को लेने के बाद आपके पीरियड्स कितने टाइम में आ जाते हैं, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैनल, और बिना किसी डिले के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस प्राइमलूट एंड टैबलेट के अंदर आपको नॉर्थ ईस्ट्रोन 5 mg में मिलता है, जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट्रोन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो नॉर्थ ईस्ट्रोन एज ए प्रोजेस्टेरोन की तरह काम करता है। प्रोजेस्टेरोन फीमेल का एक नेचुरल हार्मोन होता है, जो कि प्रेगनेंसी के डेवलपमेंट के लिए और आपके पीरियड साइकिल को लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नॉर्थ ईस्ट्रोन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है और ये प्रोजेस्टेरोन की तरह ही काम करता है। अब इस टैबलेट को डॉक्टर एमनोरिया की कंडीशन में प्रेस्क्राइब करते हैं। एमनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो पीरियड्स हैं वो अब्सेंट हो जाते हैं, और पीरियड्स के ना आने पर फीमेल्स को काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में प्राइमलूट एन टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ओके, तो गाइज ये तो इसका इंट्रोडक्शन था कि प्राइमलूट एन टैबलेट को कब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। और ऐसा भी नहीं है गाइज, देखिए कि इस टैबलेट को एमनोरिया की कंडीशन में ही प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके बहुत सारे यूजेज होते हैं, ठीक है, जो कि आपके हेल्थ इश्यूज और आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से ये टैबलेट आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमलूट एन टैबलेट को लेने के बाद आपके पीरियड्स कितने टाइम में आते हैं। तो गाइज यूजली इस टैबलेट की जो डोज है पीरियड साइकिल को लाने के लिए, ठीक है, उनको बैलेंस करने के लिए, ये टैबलेट दिन में 2 बार होती है। ट्वाइस ए डे 5 mg की डोज होती है, जो कि आपको खाना खाने के बाद पानी के साथ लेनी होती है। और इस टैबलेट का जो कोर्स है वो 5 दिनों का होता है। तो गाइज ये तो बात थी इसकी डोजेस की और इसके लेने के तरीके की। अब बैक टू द टॉपिक कि प्राइमलूट एंड टैबलेट को लेने पर आपके पीरियड साइकिल कितने टाइम में आते हैं। तो गाइस जब आप इस टैबलेट की डोज और इसका कोर्स प्रॉपरली लेते हो तो इस टैबलेट का कोर्स पूरा करने पर आपका जो पीरियड साइकिल है वो 1 दिन से 10 दिन के बीच में आ जाता है। लेकिन कई बारी ऐसा भी होता है कि कई फीमेल्स इसकी डोज को काफ़ी कम लेती हैं, मतलब कि एक गोली दिन में एक बार लेती हैं, जिनके कारण उनके पीरियड्स आते नहीं हैं, या फिर डोज अगर वो मिस कर देती हैं तो ओवर डोज ले लेती हैं। सपोज करें कि अगर फीमेल ने मॉर्निंग की डोज मिस करी है तो वो नाइट में ओवर डोज कर लेंगी, 2 टैबलेट ले लेती हैं, जिससे उनको इस टैबलेट की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो पूरी तरह से नहीं मिलती है और उनके पीरियड्स नहीं आते हैं। तो जैसा आपके डॉक्टर ने आपको इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया है, मतलब कि दिन में 2 बार 5 दिन के लिए प्रेस्क्राइब किया है, यही मेथड आप यूज़ करेंगे तो आपके जो पीरियड साइकिल हैं वो 1 से 10 दिन के बीच में आ जाएंगे। तो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइस मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।